14 जनवरी 2022। तो इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रही थी और एग्ज़ाम के टाइम में यू नो लॉट्स ऑफ प्रेशर, तो एग्ज़ाम के टाइम में मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और जो पहले के वीडियोस थी शूट किया हुआ, तो वो सारा भी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो एडिट भी नहीं कर पाई मैं। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो मुझे लगा अभी थोड़ा वीडियो शूट किया जाए। हाँ, तो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल BDS एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मैं मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या रहा है, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। नीट के बाद मैं बोलूँगी कि पहली बार इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ। नीट में तो काफ़ी प्रेशर था ही, जिसकी वजह से मैं बहुत सारा गड़बड़ भी करके आई मैं नीट में। तो उसके बाद अभी वो जो इतना प्रेशर था, क्योंकि पहले से इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था कुछ भी, और सडनली बोल दिया कि एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आप लोग जानते हो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, पढ़ाई की, अभी एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ है, पता नहीं अभी तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ठीक ठाक हुआ है गाइस। तो हमारा जितना सब्जेक्ट्स था, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी, तो चार सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसमें से तीन एग्ज़ाम होता है, मतलब पेपर हमें तीन ही देना पड़ता है, तीन थ्योरी पेपर और तीन प्रैक्टिकल पेपर। तो ये है एनाटॉमी का बुक BD84, जो हर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। डेंटल स्टूडेंट्स को Volume 3 and 4 सिर्फ पढ़ना पड़ता है एनाटॉमी के लिए, और बाकी MBBS को सब पढ़ना पड़ता है 1, 2, 3, 4 चारों। और हमें हिस्टोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है एनाटॉमी के अंदर में ही जो आता है, फिर एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना पड़ता है जो भी एनाटॉमी के अंदर ही है, और फिर ऑस्टियोलॉजी बोन के बारे में पढ़ना पड़ता है, फिर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जो है वो अलग एक पेपर है, वो दोनों कंबाइन करके एक पेपर है, ओके, सिंगल पेपर। और फिर और एक पेपर है जो जिसमें डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी के बारे में बोला गया, ये जो बुक है ये ऑर्बन है, जिसमें डेंटल हिस्टोलॉजी है, डेंटल हिस्टोलॉजी, और एक बुक है डेंटल एनाटॉमी के लिए व्हीलर। तो बहुत सारा बुक्स है, अभी इधर सारा बुक नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी ताऊजी के घर पे थी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी। हमारा नया घर बना है, पता ही है, तो शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में, तो मैं शिफ्ट नहीं हुई थी। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो पहले वाले जो जितने भी वीडियोस है, पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाया, फर्स्ट ईयर का जितना भी एक्सपीरियंस था और जो जो भी मैंने शूट किया, सारा मैं अपलोड करूँगी, धीरे धीरे एडिट करूँगी। मैं चाहती थी कि सारा जो एक्सपीरियंस है जो मेडिकल स्टूडेंट्स के होते हैं, वो सारा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना शुरू की थी, मैंने ये सोच के। और नीट एस्पायरेंट जितने भी हैं, वो लोग वीडियोस देख के भी मतलब थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि अच्छा हमें ये करना है, पढ़ के हमें उधर जाना है, तो ये सोच के भी मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा अच्छे से और पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस भी थोड़ा मैनेज कर पाऊँ। सब लोगों का जो खुशी है ना लास्ट एग्ज़ाम पे, जो खुशी है उन लोगों के चेहरे पे कि अभी घर जाने को मिलेगा, अभी घर पे जाके थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, इतने दिनों का जो मेहनत है, अभी घर जाके सब लोग रेस्ट करेंगे, अल्लाह की एक खुशी होती है सबके फेस में। तो मैं तो इधर ही हूँ मेरे घर पे, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिलैक्स रिलैक्स।
तो नीट के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो लोग नीट एस्पायरेंट हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ हेल्प कर पाऊँ उन लोगों को भी जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इस बात को समझती हूँ क्योंकि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए भी मैं कुछ बातें बोल पाऊँ जो आप लोगों को मोटिवेट करेगा, जो आप लोगों को थोड़ा इनकरेज करेगा कि नहीं, हमें करना है, डॉक्टर बनना है। अल्टीमेटली हम सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी मेरे आने वाले वीडियोस में कुछ आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। और जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, यार एकदम मोटिवेटेड रहो। पता है कि पॉसिबल ही नहीं होता है कि पूरा मोटिवेशन आए अंदर से, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी बहुत लो फील होता है तो हमें लगता है और होगा ही नहीं। और मैं अपना नीट की स्टोरीज भी मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे, कैसे मैं इधर आई, कैसे मेरा प्रिपरेशन था, क्या हुआ था, सारा चीज़ें मैं बोलूँगी धीरे धीरे। तो आज के लिए यह तक ही, और बात नहीं करते हैं ज़्यादा, बातें हमें पसंद भी नहीं होता, राइट? तो आप लोग मोटिवेटेड रहो और हंसते रहो, खुश रहो। बाकी नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उसको देखो, मैं अपलोड करूँगी धीरे धीरे सारे वीडियोस, उसको देखो, एंजॉय करो और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। हाँ, तो आप लोग खुश रहो।